से तमिल फिल्म इंडस्ट्री की इस अभिनेत्री की स्माइल बना देगी, आपको उनका दीवाना। बताएंगे आपको कृति शेट्टी के बारे में कुछ ऐसी अनसुने राज। अंगूरी भाभी का ये अवतार देखकर आप दंग रह जाएंगे। अभिषेक के पैदा होने पर अमिताभ ने किया था ये गलत काम, आज भी होता है अफसोस। और क्यों इस जगह पर लोग लोहे के पिंजरों में रहते हैं, और पब्लिक प्लेस में अगर कोई आपसे टाइम पूछे तो नहीं बताना चाहिए, पर क्यों? नंबर वन, कृति शेट्टी साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर स्टार है, जिन्होंने अपनी पहली फिल्म उपेन से ही दर्शकों के दिल में जगह बना ली थी। केवल 16 साल की उम्र में अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली कृति की स्माइल बहुत प्यारी है, जिसे देखकर सख्त से सख्त लौंडे भी पिघल जाते हैं। हाई स्कूल के दौरान ही कृति ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। डेरी मिल्क, आइडिया और पार्ले जैसी कंपनियों के साथ काम करने के बाद कृति को वैष्णव तेज के अपोजिट फिल्म उपेन में लीड रोल मिला, जहां उनकी एक्टिंग और सादगीपन को दर्शकों ने काफी पसंद किया। कृति सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। कृति अन्य सेलिब्रिटीज की तरह बिकनी या कम कपड़ों में फोटोज पोस्ट नहीं करती, वो साड़ी या सूट में ही अपनी फोटोज अपलोड करती है, में भारतीय संस्कृति की झलक नजर आती है। कृति एक एनिमल लवर भी है। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन में कृति ने हजारों जरूरतमंदों की मदद भी की थी। नंबर टू, भाभी जी घर पर है में एक्टिंग करने वाली एक्ट्रेस शुभंगी अत्री को तो आप जानते ही होंगे। ये अपने रोल अंगूरी भाभी के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है, और आप भी इन्हें इसी रोल के लिए जानते होंगे। वैसे तो इन्होंने भाभी जी घर पर है से पहले चिड़ियाघर नाम के फेमस शो में भी काम किया है, जहां पर भी इनका काफी बड़ा रोल था। लेकिन इन्हें असली पहचान मिली तब जब इन्होंने अंगूरी भाभी का रोल किया, और आज भी अपने असली नाम की जगह पर अंगूरी भाभी के नाम से जानी जाती है। और आज तक ज्यादातर लोगों ने इन्हें साड़ी और भारतीय कपड़ों में ही देखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वेस्टर्न अटायर नहीं पहनती है। दरअसल एक वक्त पे ये मॉडल भी हुआ करती थी, और आज भी आपको इनके सोशल मीडिया पर कई फोटो देखने को मिल जाएंगे, जिसमें ये बिल्कुल ही अलग अवतार में दिखती है। हाल ही में इनका एक पुराना फोटो वायरल हुआ, तब लोग देखकर चौंक गए थे और लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये अंगूरी भाभी है। नंबर थ्री, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन सारी दुनिया को सही और गलत में फर्क करना बखूबी सिखाते हैं, लेकिन अपने बेटे अभिषेक बच्चन के जन्मदिन पर उन्होंने कुछ ऐसा काम किया था जिसके लिए वे आज भी अफसोस करते हैं। जी हाँ, ये बात सच है। दरअसल अभिषेक बच्चन के पैदा होने पर जब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनका बेटा हुआ है, तो उन्होंने खुशी के मारे सब भूल गए, और उसी खुशी में उन्होंने उस डॉक्टर और उनके साथ काम करने वाली नर्स को वाइन पिला दी, जिसके चलते उन डॉक्टर और नर्स की नौकरी जाते जाते बची, क्योंकि किसी ने उनकी शिकायत कर दी थी कि ड्यूटी के समय उन्होंने शराब पी। उनकी इस हरकत से जब डॉक्टरों की नौकरी पर बनाई, तब बिग बी ने खुद जाकर हॉस्पिटल के लोगों से बात की और माफी मांगते हुए उन लोगों की नौकरी बचाई, क्योंकि नौकरी पर शराब पीना गैर कानूनी है, खासकर अगर वो डॉक्टर है तो। नंबर फोर, अगर आप कभी अकेले खड़े हो और कोई व्यक्ति आपके पास आके पूछे कि वक्त क्या हो रहा है, तो आपको अपनी घड़ी या फिर अपना फोन निकाल कर टाइम नहीं देखना चाहिए, क्योंकि चोरों की एक ट्रिक है जो वो चोरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। दरअसल जब आप अपना फोन या फिर वॉच देख रहे होंगे, तो उसी बीच आपका ध्यान भटक जाएगा और वो आपकी चीजें चुरा सकते हैं, यहां तक कि आपको चोट भी पहुंचा सकते हैं। इसीलिए अगर आप किसी अनजान जगह पर खड़े हो और कोई आपसे पूछे, तो आपको थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसके और भी साथी आसपास हो। अमेरिका, इंडिया और बाकी कई और देशों में चोर इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। नंबर फाइव, दोस्तों आपने कभी न कभी तांगे की सवारी तो की ही होगी, और अगर नहीं की तो आपने तांगे को कभी न कभी देखा ही होगा। और अगर आपने तांगे को देखा है, तो आपने नोटिस किया होगा कि तांगे को खींचने वाले घोड़ों की आंखों पर कुछ इस तरह की पट्टी लगी हुई होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि घोड़ों की आंखों पर पट्टी क्यों बांधी जाती है? अगर आपको नहीं पता, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल एक घोड़ा 180 डिग्री के एंगल पर देख सकता है, जिसकी वजह से अगल बगल की चीजों को देखकर घोड़े का ध्यान भटक जाता है और वो इधर उधर भागने लगता है। इसीलिए घोड़ों को ये पट्टी पहनाई जाती है, ताकि घोड़ों का ध्यान सामने की ओर रहे और वो शांति से चल सके। नंबर से, दोस्तों यूं तो दुनिया में कई ऐसी अजीबोगरीब जगह हैं जो अपने आप में किसी न किसी कारण के चलते प्रसिद्ध होती हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां लोग जानवरों की तरह लोहे के पिंजरों में रहते हैं। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। दरअसल इस देश का नाम है हांगकांग। यहां लोग लोहे से बने पिंजरे में रहते हैं, जहां एक अपार्टमेंट में 100 पिंजरे होते हैं और 100 पिंजरों के लिए महज 2 शौचालय है, जो कि काफी परेशानी की बात है। बताया जाता है कि इस एक पिंजरे की कीमत लगभग 11,000 रुपए है। यहाँ लोग पिंजरे में बिछाने के लिए गद्दे की जगह बांस की चटाई का इस्तेमाल करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हांगकांग में इस समय इस तरह के घरों में करीब 1,00,000 लोग रह रहे हैं। दरअसल ये लोग हैं जो महंगे घर खरीदने में सक्षम नहीं है, और इसी कारण ये लोग पिंजरों में जानवरों की तरह रहने के लिए मजबूर है। नंबर 7, दोस्तों आपने कई तरह के डांस के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको जिस डांस के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसे देखकर आप भी डर जाओगे। नहीं नहीं, आप सीरियस मत होना, मैं मजाक कर रहा हूँ। दरअसल न्यूजीलैंड में जब भी कोई शादी का फंक्शन होता है, तो उनमें लोग हाका नाम का इस तरह का एक डांस करते हैं, जिसमें लोग अपनी शक्ल को आक्रामक बनाकर लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपको इनको देखकर डर लग रहा है? भाई मुझे तो इन्हें देखकर जोर जोर से हंसी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि इन सभी लोगों में बंदर की आत्मा घुस गई है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8, जो दिखता है वही बिकता है। आजकल सब्जियों के बाजार में भी ये फॉर्मूला लागू होने
लगा है सब्जियों को हरा चमकदार और वजनदार बनाने के लिए उनमें हानिकारक स्लरी इंजेक्शन का प्रयोग किया जा रहा है। इन इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन होता है जो सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक माना जाता है। धंधे में अधिक मुनाफा कमाने के लिए लोग इस तरह के इंजेक्शन का उपयोग कर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ना सिर्फ हरी सब्जियों में बल्कि केला, पपीता और आम जैसे फलों में भी इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन इंजेक्शन के हानिकारक केमिकल से बचने के लिए जब भी आप कोई फल या सब्जी लाएं, तो उन्हें कम से कम 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखें और पानी में एक चुटकी सेंधा नमक भी मिला दें। इससे सब्जियों में मौजूद केमिकल का असर कम हो जाएगा।